बेंगलुरु। बेंगलुरु में मेट्रो ट्रैक के बीच फंसा आवारा कुत्ता बचाया गया। ट्रैक पर बिजली तुरंत बंद कर दी गई और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की इंजीनियरिंग टीम को एक ट्विटर उपयोगकर्ता द्वारा मेट्रो ट्रैक पर कुत्ते के फंसने की शिकायत के तुरंत बाद सतर्क कर दिया गया। बलात्कार के आरोपी लिंगायत दृष्टा के खिलाफ आरोपों को शुरू में खारिज करने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने अब जोरदार हमला बोला है। लिंगायत के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज बलात्कार के आरोपी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू पर यह कहते हुए जोरदार हमला किया कि संत ने एक अक्षम्य अपराध किया है जो दुनिया को पता है। पूर्व आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में मैसूर में दो गिरफ्तार। मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर चंद्रगुप्त ने कहा कि जांच से पता चला है कि सेवानिवृत्त अधिकारी के पड़ोसी हत्या में शामिल थे। आरोपी की पहचान मदप्पा के सबसे छोटे बेटे मनु और उसके दोस्त वरुण के रूप में हुई है। भवन उल्लंघन को लेकर कुलकर्णी और मदप्पा के बीच तीखा विवाद हुआ था। कर्नाटक ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कुछ अन्य दलित संगठनों ने कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति मांगने के लिए नगर निगम से संपर्क किया, जो हाल ही में गणेश चतुर्थी समारोह को लेकर विवाद में था। ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति के लिए कुछ दलित संगठनों और AIIMM ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसके तुरंत बाद श्री राम सेना भी हरकत में आई और एक ज्ञापन सौंपकर वहां कंकदास जयंती मनाने की अनुमति मांगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने आज अपने बयान का बचाव किया कि हिंदू शब्द का एक गंदा अर्थ है और कहा कि अगर उनके शब्द गलत साबित हुए तो वो विधायक के रूप में इस्तीफा दे देंगे। विधायक की टिप्पणी ने पार्टी लाइनों और विपक्ष में विवाद को जन्म दिया और दोनों पक्षों ने बयान की निंदा की और विपक्ष ने माफी की मांग की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिंदू शब्द पर कांग्रेस विधायक सतीश जारकीहोली के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इससे इस देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बोम्मई ने मेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, जारकीहोली एक आधा पढ़े लिखे व्यक्ति है जिसे थोड़ा गहरा ज्ञान है। बोम्मई ने कहा कि जारकीहोली अभी भी अपने बयान का बचाव कर रहे हैं और कांग्रेस को इस तरह के जघन्य बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर यह ऐसा करने में विफल रहता है तो देश में उनकी जो भी छोटी पहचान है वो पार्टी खो देगी। राज्य के लोगों को एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। जारकीहोली का बयान न केवल पूर्वाग्रह से भरा था बल्कि योजनाबद्ध भी था। बेंगलुरु की एक वाणिज्यिक अदालत ने सोमवार 7 नवंबर को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल के साथ साथ कॉपीराइट उल्लंघन पर अपने राष्ट्रव्यापी अभियान भारत जोड़ी यात्रा के आधिकारिक हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया। MRT म्यूजिक द्वारा दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि हैंडल ने फिल्म KGF चैप्टर 2 के संगीत का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि तीनों लिंक को एक ही कारण से हटा दिया जाए। कर्नाटक 3 दिवसीय बेंगलुरु टेक समिट 16 नवंबर से शुरू। कर्नाटक सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स IT BT SNT विभाग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट बेंगलुरु टेक समिट के 25वें संस्करण का आयोजन कर रहा है।